अब खबरें विस्तार से। जयपुर के शाहपुरा में ट्रांसफार्मर फटने से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और सीएम वसुंधरा राजे कल खुद एसएमएस में घायलों से मिलने के लिए पहुंची। यहां पर सीएम ने घायलों की कुशलक्षेम पूछी। वहीं पर सीएम ने हादसे पर दुख भी व्यक्त किया और चिकित्सकों को बेहतर इलाज के दिशा निर्देश दिए गए। वहीं पर सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि के रूप में देने का ऐलान किया है, जिसमें से 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से और 5 लाख विद्युत डिस्कॉम की तरफ से दिए जाएंगे। जी अनाउंस करना चाहती हूँ कि इमीजिएटली देयर हैज़ टू बी इंक्वायरी होगी अंडर द कमिश्नर और उनके साथ हम लोगों को अभी बैठा के और ये तुरंत ही तय करवा रहे हैं। एंड देन रेस्ट अराउंड द क्लॉक केयर अराउंड द क्लॉक नर्सेज एंड डॉक्टर्स निशुल्क सब का इलाज होगा एंड सारा एसी जनरल एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। तो इसके अंदर ये डिसाइड करा है कि जो JVNL ऐसे हादसों के अंदर 5 लाख रुपए देता है वो 5 लाख रुपए जितने लोगों की भी डेथ हुई है या खुदा ना खास्ता आगे भी हो, लेकिन भविष्य में अगर वो जो बर्न्स हुए हैं जिनको जो एडमिट है उनके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए। शाहपुरा में ट्रांसफार्मर में विस्फोट मामले की जांच को लेकर जयपुर डिस्कॉम ने कमेटी का गठन कर लिया है। इस कमेटी की अध्यक्षता डिस्कॉम के टेक्निकल डायरेक्टर नवीन अरोड़ा करेंगे। ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मामले की जांच हाई पावर कमेटी करेगी, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि हादसे के कारणों की जाँच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल शाहपुरा थाना इलाके के खातोलाई गांव की गुजरों की ढाणी में शादी के समारोह में बात का कार्यक्रम चल रहा था, तभी बिजली ट्रांसफार्मर में धमाके के बाद आग लग गई और स्थानीय विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा परिजनों को सांत्वना देने भी यहां पर पहुंचे। बता दें कि कल शाम जयपुर के शाहपुरा में एक हादसा हो गया जहां पर ट्रांसफार्मर फटने से 10 से ज्यादा लोगों की यहां पर मौत हो गई और 15 से ज्यादा व्यक्ति यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को SMS अस्पताल देर शाम शिफ्ट किया गया, जिसके बाद लगातार उनका इलाज चल रहा है। बता देंगे जिसके बाद मृतकों को 10 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में देने की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे घोषणा कर चुकी है, जिसमें से 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से यहां पर दिए जाएंगे और 5 लाख रुपए की राशि जयपुर डिस्कॉम की तरफ से दी जाएगी। अभी तक 14 लोगों की मौत ट्रांसफार्मर फटने से हो चुकी है। मेरे गांव में एक परिवार के ही बहुत सदस्य मर चुके हैं। यह शादी समारोह था, शादी समारोह में बात के लिए लोग आ रहे थे तो 4 दिन इस परिवार ने कहा कि 4 दिन से हम इस DP की शिकायत कर रहे हैं। इस DP में ऑयल गिर रहा था, लाइनमैन और यहाँ के प्रशासन ने नहीं सुनी और यह हादसे बहुत भयंकर हादसे रूप ले लिया। इसमें लगभग मेरे हिसाब से 10-12 आदमी मर चुके हैं और घायलों का कोई अता पता नहीं है। बहुत दुखनीय घटना है। दिन पहले हम 3 MLA थे, रामलाल जी भी थे, रामे जी थे, हमने कहा कि जो सीधी लाइन आपने 11,000 की है कभी आशोक तक तो RG गुप्ता ने कहा था कि अब तक तो कोई आशो नहीं। शाहपुरा में हुए हादसे के बाद 17 घायलों को जयपुर रेफर किया गया। इससे पहले हादसे की सूचना पर चिकित्सा मंत्री कालचंद सर्राफ, ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह, बिजली विभाग और चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और SMS में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और चिकित्सा मंत्री कालचंद सर्राफ ने सभी घायलों के निःशुल्क इलाज के आदेश भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि कल शाहपुरा थाना इलाके के खातोलाई गांव की गुजरों की ढाणी में शादी समारोह में बात का कार्यक्रम चल रहा था, तभी पास ही लगे बिजली ट्रांसफार्मर में धमाके के बाद आग लग गई, जिससे स्थानीय लोग यहां पर झुलस गए और 14 व्यक्तियों की यहां पर मौत हो गई है। सभी घायलों को देर शाम SMS अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जिनका लगातार इलाज चल रहा है। बता दें कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान कर दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, जिनमें से 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से यहां पर दिए जाएंगे और 5 लाख रुपए जयपुर डिस्कॉम की तरफ से दिए जाएंगे।
बता देंगे घटना के बाद स्थानीय विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा भी परिजनों को सांत्वना देने घटनास्थल पर पहुंचे और ट्रांसफार्मर में आग लगने के तुरंत बाद जब हाहाकार मचा था उसके बाद दमकल वहां पर पहुंची और ट्रांसफार्मर में आग को बुझाने का काम दमकल ने किया। बता देंगे सभी घायलों को कुछ ही देर में जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया और सभी घायलों का अब एसएमएस अस्पताल में उपचार चल रहा है। बता देंगे मृतकों में 4 महिलाएं और 3 बच्चे यहां पर बताए जा रहे हैं और घायलों में से 2 को एसएमएस अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। जयपुर के शाहपुरा में अलवर तिराहे के पास जोगीपुरा की पूरी घटना बताई जा रही है जहां पर शादी समारोह में शामिल होने सभी व्यक्ति यहां पर आए थे और भात का कार्यक्रम यहां पर चल रहा था। उसी वक्त पास ही लगे ट्रांसफार्मर में आग लग गई जिसके बाद ट्रांसफार्मर फटने से 14 लोगों की यहां पर मौत हो गई। और घायलों का लगातार एसएमएस अस्पताल में उपचार चल रहा है। बता देंगे पूरी घटना के बाद स्थानीय विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा मृतकों के परिजनों को सांत्वना देने भी उनके परिवार से मिलने भी पहुंचे। बता दें कि मुख्यमंत्री की ओर से मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि का भी ऐलान कर दिया गया है। हादसे में 17 लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं जिनका एसएमएस अस्पताल में उपचार किया जा रहा है जिनमें से 2 लोगों को छुट्टी मिल चुकी है। बता देंगे कल एसएमएस अस्पताल चिकित्सा मंत्री कालचंद सर्राफ, ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह, बिजली विभाग और चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी भी पहुंचे और एसएमएस अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। चिकित्सा मंत्री कालचंद सर्राफ ने सभी घायलों के निःशुल्क इलाज के आदेश भी कल जारी कर दिए थे। बता दें कि इस हादसे के बाद जांच कमेटी भी गठित की जा चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आदित्य आत्रे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अभी घायलों की स्थिति क्या है? बिल्कुल, जो करीब 16 से 17 घायल कल एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाए गए थे इनमें से कुछ लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है। जहाँ शाहपुरा में 5 लोगों की मौत हुई है उसके बाद अब ये संख्या बढ़कर 14 पहुंच गई है। करीब 9 लोगों की मौत अभी तक एसएमएस अस्पताल के अंदर हो चुकी है लेकिन कुछ जो लोग अभी भी भर्ती हैं उनका इलाज जारी है। उनकी हालत अभी थोड़ी क्रिटिकल बताई जा रही है लेकिन जो चिकित्सक दल है जो अस्पताल प्रशासन है वो लगातार बचाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो हादसा हुआ है ये कहीं विकराल अब इसने ले लिया है। माना जा रहा था कि पहले जो घायल थे वो करीब 20-30% तक जले हुए थे लेकिन ऐसे में अब उनकी मौत से कहीं ना कहीं जो चिकित्सा अधिकारी हैं जो डॉक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सतर्क है लेकिन अब जो लोग बचे हुए हैं उन सबसे पहले प्रायोरिटी उन लोगों को यहाँ पे बचाने में अब अस्पताल प्रशासन जुट चुका है। जी आदित्य, जिस तरह यहाँ पर मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जैसे और आप बता भी रहे हैं कि अभी एसएमएस अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं उनमें से भी कुछ की कंडीशन काफी क्रिटिकल है तो इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो हादसा है वो कितना भयानक रहा होगा। आपसे जानना चाहेंगे इस हादसे के जिम्मेदार किसे माना जाएगा? जी देखिए, हादसे की अगर बात करें तो ये जो बिजली विभाग है उसको साफ तौर पे कहीं ना कहीं वो लापरवाह यहाँ पे नजर आया है। जो ट्रांसफार्मर्स की नियमित देखभाल होनी चाहिए वो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो कर नहीं पाए। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही नया ट्रांसफार्मर वहाँ पे लगाया गया था लेकिन एक मशीनरी के चलते ये हादसा हुआ है तो किसे दोष दिया जाए ये कहना फिलहाल अभी गलत होगा। जी आयते, जैसा कि यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है लगातार 4 से 5 दिन से यहाँ पर शिकायत की जा रही थी उस ट्रांसफार्मर को लेकर ही खासतौर पर स्थानीय लोगों के द्वारा, तो क्या प्रशासन की अनदेखी इसे नहीं कहा जाएगा? जी बिल्कुल, कल जब ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे थे तो उनका कहना था कि मामले को लेकर कमेटी का गठन किया गया है और जो दोषी जो
दोषी कर्मचारी है, जो अधिकारी है, उनके खिलाफ यहाँ पे जांच की जाएगी, और अगर जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनपे कार्रवाई के लिए कार्रवाई की बात उन्होंने यहाँ पे कही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब पूरी जो बात है वो कार्रवाई पे टिकी हुई है कि किस तरह जो बिजली विभाग है वो कार्रवाई करता है, किस तरह से मामले की जांच करता है, जांच में किस तरह आरोपी साबित होते हैं और उसके बाद किस तरह की यहाँ पे कार्रवाई कर पाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी खिला देते हैं, बता देंगे। जैसा कि हमारे संवाददाता आदित्य आत्रे ने बताया कि 14 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है और अभी भी घायलों की स्थिति यहाँ पर काफी गंभीर बनी हुई है। अब देखना ये काफी महत्वपूर्ण होगा कि डिस्कॉम इस पर किस तरह कार्रवाई करता है और दोषी अधिकारियों को सजा दी जाती है। शाहपुरा के पास खेतुलाई गांव में गुजर समाज के एक शादी समारोह चल रहा था, भात का कार्यक्रम चल रहा था, तो अचानक से ट्रांसफार्मर फट गया और लगभग यहां जो हॉस्पिटल में आए हैं 18 लोग यहां पर अभी तक भर्ती होने के लिए आए हैं, उसमें से एक बच्ची की मौत हो गई, 15 लोगों को यहां भर्ती कर लिया और 2 की हालत ठीक है, उनको प्राथमिक उपचार दे करके और छुट्टी देने के लिए कह दिया। यहाँ हमने निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सबके लिए की है और राउंड द क्लॉक सीनियर डॉक्टर की मौजूदगी में सबको इलाज किया जाएगा। गुजर समाज का विवाह का समारोह था जिसमें बात का कार्यक्रम चल रहा था और उसको घर लेके जा रहे थे, बीच में मतलब जहाँ से गुजर रहे थे उसके पास में वो ट्रांसफार्मर अचानक फट गया। मैंने जो पता किया वो 25 KV का ट्रांसफार्मर था, उस पर मतलब एक मात्र कनेक्शन था 15 SP का, अचानक फटने के लिए फट गया, मतलब उससे मतलब पूरा ऑयल पूरा बाहर निकला, उससे मतलब वो लेडीज़ रहती थी उसको झुलस गई है। हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, उसमें डायरेक्टर टेक्निकल के अध्यक्षता में ADM रैंक का आदमी और CPO को एक कमेटी मेम्बर बनाया है कि इस हादसे का कारण क्या है, इसकी पूरी मतलब जानकारी मतलब जल्दी आएगी, उसके ऊपर ही हम बता सकते हैं क्यों ये फट रहा है। हमारे पास 18 पेशेंट आए हैं जिसमें 15 भर्ती हैं और 15 एक रिसीव डेड था, 2 को प्राथमिक उपचार करके उनको छुट्टी देने की सोच रहे हैं और इनका ट्रीटमेंट सभी का निःशुल्क करेंगे और सारी व्यवस्थाएं हमारे अस्पताल से बना की, सारी डॉक्टर्स की राउंड को ड्यूटी से लगा रखी है और सुविधाएँ सारी निःशुल्क होंगी। तो ICU है हमारी, जो कि बर्न यूनिट का जो कॉम्प्लेक्स है बहुत ही अच्छा है, शनि देव जी के सानिध्य से यहाँ पर एक बहुत अच्छा ICU की डेवलप हुई थी। ICU भी है और बेड्स भी हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स AC है, सारे इंतजाम हमने पेशेंट्स के लिए उसी ICU में किए, नवनिर्मित ICU में और बेड और वार्ड के अंदर, और सारी जो ड्रग्स हैं सारी सुविधाएं हैं वो है, राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स की और नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी हम यहाँ लगा रहे हैं, हमारे इलाज के अंदर किसी तरह की कमी नहीं रखेंगे।